इसमें आप देखें हम कैसे ये क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं. तो लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5. तो जैसा आपको याद है हमने पेरीमीटर का क्वेश्चन करा था जिसमें मैंने आपको रेशियो में बताया था कि इफ लेंथ इज रिटन फर्स्ट, तो जो हमारा रेशियो में पहली वैल्यू है डेट विल बी कंसिडर्ड टू बी लेंथ, एंड ब्रेथ अगर बाद में लिखी है तो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो विल बी कंसिडर्ड टू बी द ब्रेथ. तो इसी वे में आपको जब भी रेशियो है ऊपर जो लैंग्वेज दे रखी है उस पर आपको बहुत ध्यान देना है. तो अनु का जो पार्ट हम सोच रहे हैं डेट इज 4 उसका रेशियो में आ रहा है एंड राज का इज इन कमिंग इन 5 इज कमिंग विद 5. सो प्लीज डू पे अटेंशन ऑन दिस पार्ट. 8 years फ्रॉम नाउ मीन्स 8 साल बाद. 8 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6. उनका अब रेशियो क्या हो जाएगा एजेस का 5:6. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. तो अभी भी जो 5:6 है दिस मीन्स अनु से रिलेटेड 5 जाएगा एंड राज से रिलेटेड 6 जाएगा. तो प्लीज डू पे अटेंशन ऑन दिस. इसमें कोई चेंज नहीं है. सो हम क्या देख रहे हैं लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज बी, ये हम क्या कह रहे हैं 4x. ठीक है लेट इट बी 4x एंड राज भी 5x. सो दिस इज 5x ईयर्स रेस्पेक्टिवली. सो दिस इज ईयर्स. नाउ आफ्टर 8 years क्या होगा अनु की एज जो हो जाएगी वो भी हो जाएगी 4x+8. ठीक है क्योंकि अभी जो एज है रेशियो है 4 तो इसलिए वी आर अभी प्रेजेंट के जो हम एज जो हमने वेरिएबल सोचा एक्स है उसमें 4 हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस आफ्टर 8 साल बाद मींस +8. ऐसे ही आफ्टर 8 years राज की एज क्या हो जाएगी 5x+8. नाउ यू लुक एट कि जब हम ऐसे लैंग्वेज लिखते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट एज इसलिए हम आई एम राइटिंग ईयर्स. तो ऑलवेज द यूनिट डेट इज रिलेटेड विद द वैल्यू वी नीड टू राइट डेट. नाउ रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 years क्या हो जाएगा 4x+8/5x+8. ये रेशियो बन गया. ये जो रेशियो हमने ये जो बनाया तो उन्होंने क्या कहा है कि आफ्टर ईयर्स जो उनका बेसिक जाएगा वो जाएगा 5:6. दिस मीन्स दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 5/6. तो आपकी इक्वेशन क्या बनी देखें अभी हमने इसी टाइप की इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है ना किया है ना. तो 4x+8/5x+8 इज इक्वल टू 5/6. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो हमारा क्या आ गया 4x+8/5x+8 इज इक्वल टू 5/6. ये चीज आई हमारी एक बार चेक कर ले हमने ठीक कॉपी किया. यस नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व 6 4x+8 5 5x+8. We are going to solve this. 24x+48 is equal to 25x+40. Now we will move the values. 24x is equal to 40 - 48. So this comes out to be -x. Is equal to -8. Minus minus get cancelled out. X is equal to 8. So ये जो value आई तो x हमने हमारे पास था तो हमने जो देखा था हमारी initial जो value थी that was हमने जो consider कर रहा था 4x and 5x. Because we have got the value of x. तो 4x
इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 8 एंड देन 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 8 सो दिस कम्स आउट टू बी 32 एंड दिस कम्स आउट टू बी 40 तो ये किसका है 4x किसका हमें सबसे पहले अनु का नाम था एंड देन राज का ठीक है सो अनुसेज हम यहां पर लिख देंगे अनुसेज इज इक्वल टू 4x इंटू 4 इंटू 8 32 एंड राज एज इज इक्वल टू 5x 5 इंटू 8 40 नाउ क्या मिस कर रहे हो वी आर नॉट राइटिंग ईयर्स सो दिस इज हमने जो 40 या 32 फाइंड आउट करा ये क्या है दीज आर द ईयर्स सो वी नीड टू रिमेंबर कि हमें ये लिखना जरूरी है सो अनु सेज दिस एंड राजेज इज 40 ईयर्स नाउ सम मोर क्वेश्चंस द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7 काफी कुछ सिमिलर है ना 4 years from now, the ratio of the ages will be 3:4. Find the present ages. तो जैसा अभी हमने क्वेश्चन कर रहा था इट इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम टाइप अब हम थोड़ा खुद सॉल्यूशन स्टार्ट करें सो क्या कहेंगे हम हरी एज अगर हम प्रिडिक्ट करें क्या होगी Let me write this again. Hari's age B. क्योंकि ये हम predict कर रहे हैं इसलिए B लिख रहे हैं कितना 5x तो ये आपने देखा जब भी ratio में कुछ चीज होती है तो उसके जो हम related variable बनाते हैं तो we put a variable with the ratio. क्योंकि ये दिस इज द रेशियो वी डोंट नो द एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के लिए हमें अननोन वैल्यू रखनी होगी एंड हैरी सेज कितनी है अकॉर्डिंग टू दिस बी 7x ठीक है नाउ 4 इयर्स फ्रॉम नाउ 4 साल बाद उनकी एज क्या हो जाएगी आफ्टर 4 इयर्स तो यू शुड लर्न हाउ टू राइट द लैंग्वेज आफ्टर 4 इयर्स हरीस एज इज इक्वल टू 5x प्लस 4 एंड हैरीस देखिए नाम कितने सिमिलर हैं हैरीस एज इज इक्वल टू 7x प्लस 4 सो आफ्टर 4 इयर्स उनका रेशियो क्या हो जाएगा 3:4 दिस मींस हमारा क्या बन गई इक्वेशन 5x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 3/4 तो देखिए जो हमें पहले रेशियो होता है उससे हम प्रिडिक्ट द एजेस समथॉट एंड देन विद द हेल्प ऑफ द नेक्स्ट रेशियो वी पुट इट टू इक्वल टू नाउ इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो आई एम सॉल्विंग दिस इक्वेशन इन दिस पार्ट सो हम क्या करेंगे वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई तो 4 ब्रैकेट 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 3/7x प्लस 4 आ गया हमारा ये नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशन तो 20x प्लस 16 इज इक्वल टू 21x प्लस 12 शुड आई एक्सप्लेन यू ये कैसे हुआ ये तो पक्का आ गया ना आपको नाउ 20x माइनस 21x इज इक्वल टू 12 माइनस 16 सो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस माइनस गेट कैंसल्ड तो एक्स इज इक्वल टू 4 सो हरीस एज हमने क्या लिया था आई एम राइटिंग हियर हरीस एज 5 इंटू एक्स दिस मीन्स 5 इंटू 4
इसका क्या मतलब हुआ 20 ईयर्स है ना। यहाँ पे हमने y लिख दिया। नाउ हैरीज एज 7x मीन्स 7 × 4 मीन्स 7 × 4 = 28 ईयर्स। देखा आपने कैसे इजली हम लोगों ने ये कैलकुलेशन कर लिया। और अगर हम 20 और 28 ईयर्स का करें तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 10, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14। तो हमें क्या मिला 5:7 का रेशियो जो इनिशियल हमें मालूम था वो मिल गया। सो इन दिस वे कैन यू चेक योर आंसर? यस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। सो डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। तो अगर हमने न्यूमरेटर x सपोज करा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा x + 8। ठीक है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, तो अगर न्यूमरेटर को 17 से इंक्रीज करा एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1 मीन्स -1, तो रेशियो ऑब्टेंड इज 3/2। बन गई आपकी इक्वेशन। नाउ कैन यू सॉल्व? तो x + 17 upon x + 7 = 3/2। सो हम इसको क्या करेंगे, 2x + 17 = 3x + 7। कैन यू सॉल्व इट नाउ? तो 2x + 34 = 3x + 21। तो 2x - 3x = 21 - 34। -x = कितना बचा, 4 - 1 = 3 एंड 3 - 2 = 1 - sin। तो x की वैल्यू इज 13। सो हमने जो सोचा था वो अब हमारे सामने वैल्यू आ गई। x क्या, जो डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। दिस मीन्स हमारा जो न्यूमरेटर है डेट इज 13 और जो डिनोमिनेटर है डेट इज 13 + 8 = 21। ठीक है। तो ये हमारा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 13/21। ये कैसे, अब आपको समझ में आ गया? दिस थिंग यू हैव टू शो इन योर वर्किंग। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? सो किड्स, दिस वॉज द लास्ट सेशन फॉर दिस चैप्टर, चैप्टर 2। इसमें आपने देखा अब कैसे हम फ्रैक्शंस में हम इक्वेशंस आते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेशियो। जब रेशियो लेते हैं तब हमें ऐसी इक्वेशंस मिलती हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक, ये जो हमारा फ्रैक्शनल इक्वेशन पार्ट है डेट इज वेरी इजी टू सॉल्व। सो थोड़ा थोड़ा मैं कहीं थोड़ा सा पार्ट मैं इसलिए आई एम आस्किंग यू टू डू, जैसे आप उसको लिखना सीखें और उसको वर्कआउट करना सीखें। इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू चैप्टर वी आर गोइंग टू मीट अगेन। टिल देन हैव अ गुड रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।